अखिलेश ने राहुल की राजनीति को रास्ता दे दिया, यूपी में सुस्त पड़ी कांग्रेस को चुस्त दुरुस्त बना दिया। अखिलेश के साथ राहुल नाते तो दक्षिण भारत के मोह से बाहर नहीं निकल पाते। राहुल को अखिलेश ने बता दिया, दिल्ली के लिए जाना है तो यूपी में टिक कर रहना है। अखिलेश के एक फैसले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राजनीति को यूपी में ठहरने का रास्ता दे दिया। अखिलेश से अगर राहुल गांधी की दोस्ती नहीं होती तो उनकी राजनीति पूरी तरह दक्षिण भारत की ओर रुख कर जाती, लेकिन अखिलेश यादव की जिद के सामने राहुल गांधी को आखिरकार यूपी की राजनीति पर विश्वास हो गया। ये इसी का परिणाम है। राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद रहेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी ने फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बैठक के बाद लिया। कांग्रेस के लिए अब सेफ सीट माने जाने वाली वायनाड से अगर प्रियंका गांधी जीतने में सफल रहती हैं, तो ऐसा पहली बार होगा कि नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद का हिस्सा होंगे। इससे कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद और सिर्फ एक परिवार को बढ़ावा देने का आरोप लगना लाजमी है। सोनिया गांधी इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने रायबरेली अमेठी सहित कुल 6 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 में कांग्रेस पार्टी यूपी में सिर्फ 1 सीट जीतने में सफल रही थी, जबकि राहुल गांधी खुद अमेठी से हार गए थे। कांग्रेस का वोट शेयर भी 6.36% पर पहुंच गया था। इससे पहले 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी और उसका वोट शेयर 7.53% था। हालांकि इस बार कांग्रेस ने यूपी में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और वो 6 सीट पर जीत दर्ज करने में सफल रही। इस बार कांग्रेस के वोट शेयर में इजाफा हुआ और उसे 9.46% वोट हासिल हुए। अब जब यूपी में कांग्रेस को सकारात्मक परिणाम मिले, ऐसे में पार्टी मैसेज देने की पूरी कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी अपनी सीट नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस के इस फैसले की एक वजह यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी को मिला पॉजिटिव रिस्पांस है। यूपी चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि राज्य में मूड बीजेपी के खिलाफ है। यहां बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों से संतोष करना पड़ा। अब कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वो 2027 लोकसभा चुनाव में अपना खोई हुई जमीन हासिल करे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली और उसका वोट शेयर 2.33% रहा था। तब प्रियंका गांधी ने यूपी में पार्टी को लीड किया था। कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन के चलते राहुल का रायबरेली पर कब्जा बनाए रखना रणनीतिक रूप से समझदारी भरा कदम है। राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि उनका वायनाड से भावनात्मक रिश्ता है। जब 2019 में कांग्रेस को यूपी में झटका लगा था, तब वायनाड से राहुल संसद पहुंचे थे। उस समय केरल में कुछ कांग्रेस नेताओं ने राज्य में लोकसभा चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की मिली जीत का सहरा राहुल गांधी के सिर बांधा था। हालांकि इसके 2 साल बाद केरल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। तब केरल की जनता ने हर 5 साल में सत्ता बदलने की रिवायत ना कायम रखते हुए एलडीएफ के पिनाराई विजयन को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया। कांग्रेस पार्टी की केरल यूनिट का मानना है कि विजयन सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। ऐसे में वो चाहते थे कि राहुल गांधी वायनाड सीट बरकरार रखें, सीपीआईएम उन पर हमलावर न हो। इसीलिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ाने का फैसला किया है। शायद यही वजह थी कि प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और परिणाम के बाद उपचुनाव के जरिए अपना संसद पहुंचने का प्लान किया। कांग्रेस का मानना था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें या ना, लेकिन बीजेपी उन पर परिवारवाद का आरोप लगाएगी ही। अब यह हमले और बढ़ जाएंगे। कुछ पार्टी नेताओं का मानना है अगर बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करती तो वो शायद ही चुनाव लड़ती। अब कांग्रेस का मानना कि बीजेपी बैकफुट पर है और चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी को उतारने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने 2022 में उदयपुर चिंतन शिविर से पहले एक परिवार एक टिकट नियम को लागू करने पर गहन चर्चा की थी, लेकिन इसमें शर्त भी जोड़ दी थी कि जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके बेटे बेटी और अन्य रिश्तेदार पार्टी को कम से कम 5 साल संगठन के लिए 5 साल काम करना जरूरी है। प्रियंका ने जनवरी 2019 में राजनीति में प्रवेश किया। बहरहाल ये सब जो भी कांग्रेस ने फैसला किया उसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।